कह रहे हैं 20 12 90 का प्रातः क्लास गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है जी क्या दादी जान कैसे पा लिए सारे संसार के मालिक बना थे इसलिए हाँ इसलिए तुम्हें पाके जहाँ पा लिया है कि बीज को अगर मुट्ठी में कर लिया तो सारा विश्व मुट्ठी में आ जाता है अगर बीज हमारे हाथ में है तो सारा ध्यान हाथ में है ये अगर बीज हाथ से निकल गया तो सारा ध्यान हाथ से निकल जाता है यहाँ हाथ कौन सा है बुद्ध रूपी हाथ तो बुद्ध रूपी हाथ की पकड़ मजबूत चाहिए जो बीज हाथ में से निकल न जाए बीज कौन है मनुष्य शक्ति रूपी जाड़ का प्रजाति का और रस्सी रस्सी लेके बैठना मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना कितने सुना मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने जिस्मानी बच्चों को ये गीत अच्छा नहीं लगेगा क्यों क्योंकि देहंकार में देहंकारियों की मुट्ठी में तो वो बीज आता नहीं बीज कितनी मुट्ठी में आता है मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आता है तो वो इस गीत को प्यार से सुनते भी है अनेक अनेक बच्चे हो जाएंगे अभी तो थोड़े हैं इस समय तुम थोड़े प्रैक्टिकल में बने इस समय है इस संगम के समय तुम थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो वो तो कहते हैं अपने को हम भगवान के बच्चे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं बने कौन तथा कथित तो ब्रह्मा कुमार कुमारी वो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप के बच्चे नहीं बने प्रैक्टिकल में बने हो फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब हैं ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बने नहीं है प्रैक्टिकल में ब्रह्मा को जानते नहीं है नहीं जानते तो सब हैं नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा सारी प्रजा का पिता चाहे हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई भी हो मनुष्य शक्ति के बाप को एडम को सब सब जानते आदम को सब जानते कितनी ढेर प्रजा है सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर इनको प्रजापिता दुनिया वाले ही धर्म वाले नहीं अपने ब्राह्मणों की दुनिया में भी एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी जो और धर्मों के बीज हैं वो सब इनको मानेंगे जरूर क्यों मानेंगे है मान्यता क्यों देंगे हाँ उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है इसलिए मानेंगे कि उनकी रचना किससे हुई है उसी बाप से रचना हुई चाहे वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी हो जानते भले न हो कि हमारा बाप कौन है लेकिन वास्तव में उनको भी जन्म देने वाला ये किसी आदमी प्रजापिता ही था और अभी भी एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्माएं मानेंगी जरूर क्यों मानेंगी क्योंकि उन द्वारा ही मनुष्य शक्ति की जो बीज रूप आत्माएं हैं उनका भी जन्म हुआ है उनके द्वारा ही रचना हुई है बाबा ने समझाया है लौकिक बात की हद के ब्रह्म क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है सरनेम से सिजरा बनता है वो होते हैं हद के सिजरे और ये है बेहद का बात इनका नाम ही है प्रजापिता वो लौकिक बात तो लिमिटेड प्रजा रहते हैं मुसलमान भी आदम बीवी जो कहते हैं
तो जरूर इसको तो कहते होंगे ना, वो क्या कहते हैं, आदम बीबी, बीबी के साथ कौन होता है, साहब बीबी और गुलाम, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, तो आदम और बीबी माना साहब और बीबी, जैसे सिख धर्म कहते हैं जप साहब को तो सुख मिले, किसको सुख मिले, बीबियों को, कब मिले सुख, साहब को जपेंगे तो सुख मिलेगा और कोई साहब ज्यादा जपने लग पड़े तो है तो दुख मिलेगा। आदम बीबी जो कहते हैं तो जरूर किसको तो कहते होंगे ना, एडम ईव आदिदेव आदि देवी, ये प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। क्या कहा, वो धर्म वाले भी दूसरे धर्म वाले भी जानते हैं कि आदम और हवा जन्नत में गए, ये नहीं कहते हैं कि जन्नत में जाके उन्होंने जन्म लिया, क्या जन्नत में गए, तो दूसरे धर्म वाले धर्म ग्रंथों में इतना सत्य ज्ञान है, लेकिन जो भारत में डायरेक्ट ब्रह्मा के कुमार बने उनको ये पता नहीं, क्या पता नहीं कि इसी जन्म में इसी शरीर से नर से नारायण बनते, नारी से लक्ष्मी बनते, कोई अगला जन्म लेकर के देवता बनने की बात नहीं है, जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे, भले अभी नहीं मानते हैं लेकिन मानेंगे, इनको मानेंगे, इनको ये होंगे सामने तब तो मानेंगे, कि मरबिल्ला भी चले गए और मानते हैं मानेंगे, फिर क्या मानेंगे, इनको मानेंगे, बरोबर एक है हद का बाप दूसरा है बेहद का बाप, ये बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला है, तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए, यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने के लिए आए हो, स्वर्ग में बेहद का सुख और नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं, दुख भी बहुत आने वाले हैं, क्या कहा, आए नहीं है अभी, अभी तो दुख की दुनिया आने वाली है, अभी तो बहुत शांति का पीरियड चल रहा है, अभी तो ऐसे समय में शुक्र करो हाय हाय करते रहेंगे, बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्यंत का राग समझाया, तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो, क्या था, इनको सारे विश्व के आदि मध्यंत का राग समझाया है, वो कहाँ बैठते हैं, सामने बैठे हो, ये तो माता पिता दोनों हुए ना, किसके सामने बैठे हो, देखो माता के सामने बैठने वाले बच्चे नहीं हो, हैं? देखो पिता के सामने बैठने वाले बच्चे नहीं हो, लेकिन आदम बीवी माता पिता दोनों के सामने बैठने वाले बच्चे हुए, इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे, हद के माता पिता से ही कोई दुश्मनी रखते हैं तो बाप उनको झुंझी पाई भी नहीं देता, दरबदर होते रहते हैं, क्योंकि उनका कोई धनी धोरी नहीं रहा, बच्चा जो को जो बाप के कंट्रोल में हो, रचना अगर रचयिता की कंट्रोल में नहीं तो वो रचना रचना नहीं तो बेहद के माता पिता से कोई दुश्मनी रखेंगे क्या है? नहीं रखेंगे, या तो रखेंगे नहीं, और अगर रखेंगे तो वो बाप के बच्चे है, वो है किसके बच्चे, माया रावण के बच्चे उनको फिर वर्षा मिल नहीं सकता, माता पिता से कितना सुख मिलता है, जाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे,
کہاں کا دائن ہے؟ ضرور سنگم کا دائن ہے. وہ تتھا کے کتھت براہمن کس کو گاتے ہیں, کس کو گائیں گے؟ اگر ان براہمنوں کا گائن ہے مات تم مات پتا ہم بالک تیرے, تو ان کے سامنے کون سے مات پتا ہیں؟ یہ ہیں کیسے نہیں, ہم کمرے میں جا کے بیٹھتے ہیں, جڑ مورتی ہمارے سامنے ہوتی ہے, ماتا کی بھی تو پتا کی بھی, کون سی ماتا کون سی پتا؟ برہما اور سرسوتی, اتوا یا تو یوں کہیں گے شیو نراکار باپ اور ماں برہما جڑ مورتی میں, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. سنمکھ ہونا تو نہیں کہیں گے اس کو. تو یہ تو بچے سمجھتے ہیں. دوسرے دھرم والے سب فادر کو ہی بلاتے ہیں, دوسرے دھرم والے مدر کو نہیں مانتے. کیوں؟ وہ مدر کو کیوں نہیں بلاتے, مدر کو کیوں نہیں مانتے, گاڈ مدر کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ دوسرے دھرم والے ہیں نا. کون سے ہیں؟ دوسرے دھرم والے, راون سمپردائے کے, جانور سمپردائے کے. دو جیسے جانوروں کو پتا نہیں ہوتا ہے کون ہماری بہن ہے, کون ہماری ماں ہے, کون سی بیٹی ہے, کسی کے ساتھ بھی سمبندھ جڑ جاتا ہے. تو ایسے ہی راون سمپردائے والوں کو کچھ پتا نہیں. دیکھو روس میں کیا ہوتا ہے, دوسرے دھرموں کا سب سے گرا ہوا روح کو کہاں دیکھا جاتا ہے؟ روس کیا ہوتا ہے وہاں؟ بچہ پیدا ہوا آپ کی کرنے چلا گیا, راشٹر کی سمپتی ہو گئی, بڑا ہوا اسکول میں چلا گیا, ہاسپٹل میں ڈال دیا گیا, اسکول کی پڑھائی پوری ہوئی, ٹریننگ اسکول میں پہنچ گیا, ٹریننگ پوری ہوئی, ہاں راجیہ کی سیوا میں لگ گیا. اب اس بچے کو نہ اپنی بہن کا پتا, نہ اپنی ماں کا پتا. خدا نہ خواستہ وہ بچہ 17-18 ورش کا ہو جائے, 17-24 سال کا ہو جائے, اور 17 سال کی بہن ہو یا کوئی کنیا, اس کی لڑکی ہی اپنی کیوں نہ ہو یا ماں ہی کیوں نہ ہو, 17 سال کی عمر میں ماں بھی تو مل سکتی ہے کہیں, تو پہچانے گا نہیں پہچانے گا؟ اور کہیں ماں سندر ہوئی اور اس کا سمپرک ہوا, تو یہ جانور نہیں ہوئے تو کیا ہوئے؟ جانوروں میں اور منشیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ ہے ودیشی بام مارگی. بھارتی پرمپرا یہ نہیں ہے. دوسرے دھرم والے سب فادر کو ہی بلاتے ہیں, مدر کو نہیں بلاتے. شوٹنگ کہاں ہوتی ہے؟ سنگم میں. ضرور باپ کے بچے بنتے ہوں گے, ماں کو ماں کہتے ہوں گے, باپ کو باپ کہتے ہوں گے, لکھ کر کے بھی دیتے ہوں گے, پھر سالے مادر چوت بن جاتے, بہن چوت بن جاتے, بیٹی چوت بن جاتے. وہ مات پتا نہیں کہیں گے. کون؟ دوسرے دھرم والے مات پتا نہیں کہیں گے. وہ پروشتی مارگ کو ماننے والے نہیں ہیں, صرف یہاں ہی گاتے ہیں. کہاں؟ بھارت میں ہی گاتے ہیں. تم مات پتا ہم بالک تیرے, پروشتی لگتی ہے کیا؟ نہیں سدھریں گے. لکھ لکھ کر کے دیتے ہیں, پھر بلف دیتے ہیں مات پتا. تم بچے جانتے ہو ہم پڑھ کر کے منشیہ سے دیوتا کانٹے سے پھول بن رہے کیا؟ پرماتما کی پڑھائی پڑھ کر کے ایسے کانٹوں سے پھول بن رہے ہیں, ہم بھی کانٹے بن گئے. کانٹے بن گئے, سپتائی بن گئے. ماں باپ کا بچہ گھر میں اگر کپتا بن جائے, جیسا بھارت کے گھروں میں آج دیکھا جا رہا ہے, جو بابا بولتے ہیں کہ بھارت میں گھر گھر میں بیچالے بن چکا ہے, تو باپ کیا کہے گا؟ ایسے بچے سے تو موا بھلا.
क्योंकि माँ पिता को दुख देने वाला हुआ ना, तो हम भी पढ़ करके देवता मनुष्य से देवता बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं, मनुष्य मन स्मरण चिंतन करने वाले से फिर देवता बन रहे हैं। बाप खिवैया भी, बागवान भी, बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली, एक प्रकार के नहीं अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबर बार है यहाँ पर। मुगल गार्डन कौन सा बाजा हो बगीचा? अरे वही मुगलों का बगीचा, मुगले जिनके मुंह गल गए, माँ बाप की निंदा करते हैं तो मुंह क्या हो गए, गल गए। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उस बताया। ये तो डेनेसीज है, सतयुग में भी डेनेसी होती है, तो द्वापर में भी डेनेसीज होती है। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। ये क्यों लगा दिया? हाँ, और दूसरों की तुलना में ये फिर भी गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फूल होते हैं, लेकिन देवी देवता सनातन धर्म जैसा गार्डन नहीं हो सकता। माली भी नंबर वार, कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है, हैं? कौन सा? फूलों का राजा, सत्युग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भल महाराजा महारानी है परंतु फ्लावर्स नहीं, कहाँ है? हाँ, महाराजा महारानी का लकब है कहने मात्र का, लेकिन वास्तव में वो फूल फूल नहीं है। पति के बनने से कांटे बन जाते, रास्ता चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। पहले अच्छे रास्ते पे चलते हैं, फिर कांटा लगाया और ये भागे। कांटा मान दुख देना, अजामिल भी उनको कहा जाता है। जो बाप के बच्चे बनते हैं, माता पिता कहते हैं, लिख करके देते हैं और फिर कांटा लगा के भाग जाते हैं। सबसे जाति भक्ति भी तुम करते हो। बाप मार्ग में जितने वाले चित्र देखो, कैसे कैसे गंदे बनाए हुए। जगन्नाथपुरी में देवताओं के बाम मार्ग के चित्र दिखाए, कैसे कैसे गंदे चित्र बनाए हुए, देवताओं के ही चित्र दिए। वाह, हाँ, क्या देवता ही पतित होते हैं? कुछ किया होगा फिर वो देवता हुए हैं? वो साथ में कहीं देवता होते हैं। अच्छा, फिर उनकी पूजा क्यों होती? अरे पूजा पवित्रता की होती है या पवित्रता की होती है? हाँ, वो संपूर्ण की स्टेट की ये निशानी है। कुछ गड़बड़ी संगम में मची होगी, मोदी भाई कह रहे हैं कुछ गड़बड़ी संगम में मची होगी, गड़बड़ी। अरे भाई, एक भारतवर्ष में नियम बना हुआ है, गवर्नमेंट का नियम है, कोई असली चित्र नहीं रख सकता, पब्लिक प्लेस में नहीं रखे जा सकते, अगर रखे जाए तो उसको वो पकड़ लिया जाए रखने वाले को। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में खुलेआम वो चित्र रखे हुए हैं, मूर्तियां रखी हुई हैं,
ममता गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाती। इतनी ताकत है आज भी सच्चाई में। सत्य माना अपवित्र तो जरूर देखने वालों की आंखें होती हैं। वो चित्र गंदे गंदे कहने के लिए गंदे हैं, लेकिन वास्तव में गंदगी है नहीं। क्यों है? हाँ, अगर डिस्चार्ज हो तब तो पति, और डिस्चार्ज ही ना होते हो तो उनको गंदा क्यों कहेंगे? तो देखने वाले क्या डिस्चार्ज होते देखते हैं? जरूर उनकी ऐसी स्टेज है, हाँ, देखने वालों की, जिससे वो समझते हैं ये भी हमारी तरह डिस्चार्ज होती होंगी। अरे मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है, बाप ने तो बोला हुआ है कर्म इंद्रियों से जो याद में रह करके कर्म करते हो वो तुम्हारे कर्म इंद्रियां पूजी जाती है। वहां मंदिर में शिवलिंग पूजा जाता है, जैन औरतें जैन मुनियों के लिंग को पूजती है। अरे ये क्या बात हुई? तो जरूर कोई ताकत है, कोई सच्चाई है जो आज तक भी पूजा होती चली आई है। तो देवताओं के ही चित्र दिए हुए हैं, कोई राक्षसों के चित्र नहीं दिए हुए। तो मनुष्य कहते हैं देवी देवता भी विकार में जाते हैं। कौन कहते हैं? मनुष्य कहते हैं, भगवान नहीं कहते। जिनकी जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि उनको दिखाई पड़ती है, तो वो कहते हैं क्या कि देवी देवता भी विकार में जाते। मनुष्य स्वर्ग में भी विकार से संतान पैदा होती है, भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा होती है। उठता कि चलो वो विकार ही नहीं थे, फिर ये कर्म करने की क्या दरकार? ये कर्म व्यर्थ ही हुआ ना, वो करने की क्या दरकार रही है? सही बात है। अब हुआ है बाम मार्ग के चित्र, अर्थात जब पतित बनते हैं, जब पतित बनते हैं तब वो देवताओं के चित्र उस समय के दिखाए हुए। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली क्या है? बाम मार्ग में ही गिरने की सूची कहाँ होती है? संगम युग में ही देवता बनने वाली आत्माएं वाम मार्ग में गिरती। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली, तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम तो विकारों से बहुत दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल एसाल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वो भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाए। याद तो रहता है ना, फलाने समय ये हमने गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट बच्चे होते हैं वो ही लिख के देते हैं, इससे बाप समझ जाते हैं कि ये बच्चा वफादार और ऑनेस्ट सच्चा बच्चा है, ईमानदार। बाकी सब बाकी खेल में वो बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने ये गंदा काम किया क्षमा करो। बाबा कहते हैं क्षमा तो नहीं होती, जो किया उसका फल तो जरूर मिलता है। बाकी सच बताते हो, अगर सच बताते हो तो उन्हें झूठी लिख के दे दिया होगा बाबा के हम बड़े वफादार हैं,
बाबा समझ लें, बाबा के अंदर शिक्षा बैठ जाए कि हाँ बच्चा बड़ा वफादार बच्चा है, सच्चा बच्चा है। बाकी सच बताते हो तो वो हल्का हो जाए, आधा माफ आधा माफ। हैं? हाँ, ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता है। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती जरूर है, कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, कहते हैं हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है। ये भी अभी तुम जानते हो कब से बाम मार्ग में आकर के पाप आत्मा बने हो, अब बाप फिर से हमको पुण्य आत्मा बना। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है, हम दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि दो भाग में है, पुण्य आत्माओं की दुनिया और पाप आत्माओं की दुनिया। दूसरा भी एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, और दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक दुखधाम कहा जाता है, दुख की दुनिया और दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सांस चिल्लाते, ऐसा एक भी नहीं जो चिल्लाता न हो, हमको लिबरेट करो, हमको छुड़ाओ, गाय से छुड़ाओ, रावण की जंजीरों से छुड़ाओ, दुख से छुड़ाओ, अपने घर ले जाओ। ये कौन सी दुनिया की बात हुई है? संगमयुग की दुनिया में भी दुख की दुनिया ही है अभी, ये थोड़े कहेंगे कि स्वर्ग आ गया। तो यहाँ सब चिल्लाते हैं, एक भी ऐसा नहीं जो चिल्लाता न हो, हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। ये भी बच्चे समझते हैं घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पाठ बजाने आना। इस समय सारी दुनिया पति थी, अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे है, तो सारी दुनिया पति, लेकिन तुम्हारी विशेषता क्या है? तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो, मीडिया कौन है? बाप। और दुनिया वालों का मीडिया कौन होगा? और दुनियावी धर्मगुरु? मीडिया तो वो बनेंगे ना, लेकिन तुम्हारा मीडिया है बाप। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, और कोई भी ये एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखा देंगे कि हम ये बन रहे हैं क्या, और कोई ये एम ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते? हाँ, जो खुद बनते ही नहीं है वो एम ऑब्जेक्ट कैसे दिखाए? हम ये बनेंगे, हम ये डॉक्टर बनेंगे, या तो ये कहें कि हम अगले जन्म में बनेंगे, तब तो ठीक है। बाप कहते हैं बच्चे तुम ये है थे, अब नहीं हो, पूजी थे अब पुजारी बन गए। फिर पूजी बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं, ये बाबा समझते हैं ना, हम ये है प्रिंस बनूंगा, नंबर वन में है ये। फिर भी हर वक्त याद नहीं है, तो नंबर वन में लेकिन याद फिर भी नहीं। ओम ये है 25/2/91 की अज्ञातवाणी। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म बनते हैं। तो आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से
बाप दादा स्वराज जी का समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी देते हैं? जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, सभी आपके आर्डर में है। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कौन सी होती हैं? मन बुद्धि जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। क्या रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो? जो राज्य कारोबारी कभी 100% आज्ञाकारी वफादार अवर रेडी तो है ना? क्या हाल चाल है? अच्छा है, वह बहुत अच्छा है या बहुत बहुत अच्छा है? राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है व कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते? इस पुरानी दुनिया को राज्य सभा का पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हाल चाल तो अच्छी तरह से जानते हो। न लाभ है न ऑर्डर, लेकिन आपकी राज्य दरबार लाफुल भी है और सदा हाजी जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। तो चलती है क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? बोलो, हाँ जी या ना जी? कभी कभी अपना खेल तो नहीं दिखाती हो? जितना जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते हैं। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया, ये नहीं सुनना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में सारे प्रमाण कार्य करें। जो नहीं सुनना है न करना है न बोलना है। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर दिया नहीं देखो और वह देख करके फिर माफी आकर के ले गए कि मैंने देख लिया मेरे से गलती हो गई। करने के बाद सोचे तो उसको क्या कहेंगे? समझदार साथी कहेंगे मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो। सेकंड में पुलिस स्टाफ को ऑर्डर दिया, मन कौन है? आत्मा की तो तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। फिर परमात्मा की कौन तीन शक्तियां हैं? मन रूपी ब्रह्मा संकल्प शक्ति से शक्ति गति, संकल्पों से शक्ति ब्रह्मा की रची जाती है। तो ब्रह्मा हुआ मन रूपी घोड़ा और शंकर बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, जजमेंट पावर, क्या राय क्या रंग, कौन ऊंचा कौन नीचा। और तीसरी शक्ति है
संस्कार शक्ति माना परिवर्तन शक्ति। तो मन को ऑर्डर किया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, तो दो सेकंड नहीं लगने चाहिए। तो इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। तब इंद्रियों का हेड कौन है? मन, मन को भी कंट्रोल करने वाला बुद्धि। तो बुद्धि ऑर्डर मन को देवे, क्या ऑर्डर? कि मन व्यर्थ न सोचे, जो सोचने योग्य हो वही सोचे, शुभ संकल्प करे, अशुभ संकल्प न करे। तो सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए, दूसरा सेकंड न लगे। तो हुई युक्ति युक्त राज्य दरबार। तो ऐसे राज्य अधिकारी बने हो, रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो, जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो। रोज चेक करो, दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है, तो गलत कार्य करते करते संसार पक्के हो जाते हैं। इसके कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों के संस्कार पक्के हो जाते हैं। इस बात के, इस ऑर्डर के, फिर चेंज करने में भी समय लगता है और मेहनत भी लगती है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव संस्कार पक्का हो गया, उसी समय चेंज किया और चेंज करने की शक्ति भी, तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार चेक करते रहो, ये रंग है, ये ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दो, तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए पहले हर कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ रंग है, रंग है ये नहीं सोचो, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि वो भी स्पष्ट हो। अगर सिर्फ किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा। कहने से कौन परिवर्तन होता है और इशारे से कौन परिवर्तन होता है? देवताएं इशारे से परिवर्तन होते हैं और कहने से मनन चिंतन करने वाला मनुष्य परिवर्तन होता है, और राक्षस कहने से भी परिवर्तन नहीं होते। तो सिर्फ किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो जाएगी। क्यों? कोई कोई सिर्फ कहने से नहीं मानते, क्योंकि प्रयोगात्मक जीवन होता है। जो प्रयोगी जीवन होता है वो क्या करेगा? वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं?
कहने से नहीं मानेंगे कोई आत्मा है या परमात्मा है या स्वर्ग या नरक है, क्या करेंगे? प्रयोग करके देखेंगे, एनालाइज करके देखेंगे, क्योंकि बुद्धिवादी है। तो कहने के साथ साथ विधि भी स्पष्ट करनी पड़े। तो ये मन बुद्धि संसार, आंख नाक कान, दृष्ट इंद्रियां भ्रष्ट इंद्रियां, ये के कोई मनुष्य है क्या जिनको कहें? जिनको विधि स्पष्ट करें है? कोई चैतन्य आत्मा है क्या? पांच इंद्रियां हैं और पांच जड़ तत्व है, उनका कनेक्शन है। तो जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है उसकी निशानी क्या दिखाई देगी जानते हो? सफल राज्य अधिकारी की निशानी है वो सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वो भी उन सफल आत्मा से सदा संतुष्ट होंगी। क्या निशानी बताई? तो राज्य चलाने में जो आत्मा सफल होगी उसकी निशानी, उसके साथ जो भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं होंगी वह भी उस सफल आत्मा से संतुष्ट सदा होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। पांच % आत्माओं की छूट दी जा सकती है, वो कौन सी होंगी? जो संपर्क और संबंध में होने पर भी ये निशानी नहीं दिखाई देगी। वो कौन सी आत्मा होंगी? जो परीक्षा लेने के निमित्त बनी हुई होंगी। बाकी 95% उनसे ये निशानी जरूर दिखाई देगी। सदा सर्व के दिल के साज से वाह वाह के गीत बजते रहें, सदा उसके कानों में सर्व द्वारा ये संगीत वाह वाह का शुक्रिया का सुनाई देगा। ये गीत ऑटोमेटिक है, उसके लिए टैप कार्ड बजाना नहीं पड़ता। उसमें तो थक जाते हो, किसमें? टैप कार्ड बजाने में। लेकिन ये टैप कार्ड स्वतः ही और सदा काल चलता रहता है। देखो सुनने के लिए ये हेडफोन्स भी लगाते हो तो थक जाते हो ना, इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। ये अनहद का गीत है। कौन सा गीत बताया? वाह वाह का शुक्रिया। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो क्योंकि अब के सफल राज्य अधिकारी ही भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। जितनी अभी सफलता उतना ही विश्व में राज्य प्राप्त कर सकेंगे। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसी सफलता होती है, कभी कैसी सफलता होती है, कभी 100% सफलता है और कभी सिर्फ सफलता है लेकिन 100% नहीं। तो ऐसी राज्य अधिकारी आत्मा को
विश्व के राज्य का तख्त और ताज प्राप्त नहीं होता, लेकिन वो रेड फैमिली में आ जाती किस आत्मा को जो कभी कभी सफलता को प्राप्त करने वाली बनती है। वो राज्य तख्त के अधिकारी नहीं बनेगी। जो भविष्य में मिलने वाला विश्व राज्य तख्त है, बल्कि उस विश्व राज्य तख्त की फैमिली में आ जाएगी। तो एक है तख्त नकीन और दूसरे हैं तख्त नकीन रॉयल फैमिली। तख्त नकीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नकीन रहे। डबल तख्त कौन सा? एक तो अकाल तख्त और दूसरा पाप का दिल तख्त। दूसरा पेज तो जो अभी डबल तख्त नसीन है, कभी कभी वाले नहीं सदा, ऐसा तख्त नसीन विश्व के भी तख्त नसीन होता है। तो चेक करो सारे दिन में डबल तख्त नसीन रहे। अगर तख्त नसीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां भी आपके आर्डर पर नहीं चल सकती। राजा का आर्डर माना जाता है न कि राज्य पर नहीं हो और वो आर्डर करे तो नहीं माना जाता। जिस तख्त पर विराजमान होगा, आर्डर करेगा तो माना जाएगा। अकाल तख्त से ही नीचे उतर जाए तो आर्डर नहीं माना जा सकता। आजकल भी तख्त के बजाय अभी कुर्सी हो गई। क्या फर्क होता है तख्त में और कुर्सी में? कुर्सी पे बहुत ज्यादा हिंडुल नहीं सकते, खिसक नहीं सकते, थोड़ी जगह उस कुर्सी में होती है भुजाएं। तो भुजाओं को भी आराम रहता है तो भूल गए। और तख्त पे भुजाएं तो होती नहीं, लेकिन कुर्सियां भी दो तरह की होती हैं, एक भुजाओं वाली और दूसरी बिना भुजा की भी होती है। लेकिन स्थान दोनों तरह की कुर्सियों पर थोड़ा होता है। तो आज तो तख्त खत्म हो गया, जो कि नहीं है। क्या तख्त लायक नहीं है तो तख्त तो गायब हो गया, अभी कुर्सी हो गई है। क्या कुर्सी? तो कोई सुई क्यों हो रही है? गुरु माने करना और सी माने सी की आवाज निकले तो कुर्सी हो गई है। तो आजकल कुर्सी पे बैठने वालों का क्या हाल है? सी सी करते रहते हैं, लेकिन कुर्सी पर भी अगर कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर नहीं है
तो भी नहीं माने, तो रिटायर हो जाता है तो कुर्सी तो गई, या कोई मिनिस्टर कुर्सी पे उतर जाता है या उतार दिया जाता है, तो फिर ऑर्डर उसका कोई नहीं मानता। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, आप तो अकाल तख्त नसीम के साथ साथ बाप के दिल तख्त नसीम भी हो। अकाल तख्त क्या होता है? काल जिसको खा न सके वो कौन सा होता है? घटती है अकाल तक। अगर अपनी आत्म की स्थिति नहीं है तो जैसे हम अकाल तख्त पर नहीं है, है? तो स्वराज्य अधिकारी राजे हो, राजा हो ना, तभी राजा हो या कोई प्रजा भी है। राजयोगी अर्थात राजा, तो देखो कितने पद्मा पद्म भाग्यवान है। दुनिया विशेष विदेश हलचल में है, इसकी हलचल में, विदेशों की हलचल में, और विदेश विशेष हलचल में है, दुनिया में भी विदेश विशेष हलचल में है, और आप, आपका क्या हाल है? दुनिया में तो विशेष विदेश वाले हलचल में है, वो वार और हार की दुविधा में है, कोई वार कर रहा है और कोई हार रहा है, और कोई तो हाल चाल सुन करके हलचल में है। कौन सी दुनिया की बात हो रही है, है? ब्राह्मण की दुनिया में कौन वार कर रहे हैं? कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी और विचारी, वो वार और हार की दुविधा में है, कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हाल चाल सुन करके हलचल में आ रहा है, और आप क्या हो? वार करने वाले में से हो या हारने वाले में से हो, क्या सिर्फ हाल चाल सुन करके ही हलचल में आ जाते हो? वो है हार और वार की हलचल में, और आप हो बाप दादा के प्यार में। जो प्यार में है उनको न हार की चिंता है, न किसी पर वार करना है, वार करने की चिंता है। वार किस पर किया जाता है? जिससे आशंका होती है कि इससे हमको दुख होगा, परेशानी होगी। तो जब हार और वार के ही चक्कर में नहीं है तो सुनने से तो जरूर दूर ही होंगे। कौन? जो बाप के प्यार में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाप के प्यार में नहीं है वो या तो हार के चक्कर में है या बार के चक्कर में, अथवा अथवा हार और बार के समाचार सुनकर के ही हलचल में आ जाते। तो तीनों में हार बार और हलचल, तीनों प्रकार जो आत्माएं हैं
उनमें ज्यादा पावरफुल कौन सी है और कमजोर कौन सी है, जो सिर्फ सुन करके ही असल में आ जाती है वो तो बहुत कमजोर हो गई। जो वार कर रही है वो ज्यादा पावरफुल हो गई, और हार रही है वो तो कमजोर है। बल वार करने वाले का मुकाबला कर रही है लेकिन हारना नहीं चाहिए। तो आप तो उन तीनों में से नहीं हो, क्यों? क्योंकि आप बाप के प्यार में हो, लगन में मगन हो, परमात्मा प्यार दूर दूर से खींच करके लाया है। कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार बुद्धि की बुद्धिमान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। प्यार किसके अंदर होता है? बुद्धिमान के अंदर या दिल वालों के अंदर? दिल वालों के अंदर प्यार होता है, लेकिन अगर बुद्धिमान भी है और वो प्यार को दिल को भी महत्व देता है तो दिल में भावना श्रद्धा और विश्वास होता है। तो बाप के प्रति अगर प्यार पैदा हो जाए बुद्धिमान के अंदर तो उसके लिए परिस्थिति श्रेष्ठ स्थिति में बदल जाएगी, कैसी भी विकराल परिस्थिति क्यों न हो। क्यों? क्योंकि बाप के बहुत से बच्चे भी बुद्धि का नशा रखने वाले बन गए, विदेशी बन गए, थे स्वदेशी लेकिन स्वदेशी से विदेशी बन गए। तो अगर अब भी वो बुद्धि के अहंकार से कुछ पीछे हटकर बैलेंस के रास्ते में आ जाते हैं तो अभी भी उनकी परिस्थितियां श्रेष्ठ स्थिति में बदल सकती हैं। किस बात से? परमात्मा प्यार से। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले जब पोलैंड वाले प्रेम करते थे असंभव लगता था, वो उनकी ईद हो रही थी पहले तो असंभव लगता था, और अब ईद हो गई तो अभी क्या लगता है? कौन माने? कौन बच्ची? कमजोरी कौन कहाँ छुपी हुई होती है? सबसे जाती कौन पट्टी कौन से धर्म है?